पिछले 3 महीने से लगातार जिस तरीके से लॉकडाउन की स्थिति है उस पर अभी तक सेवक अजय कपूर जी लोगों को खाना वगैरह मुहैया करा रहे थे, ये अभी किट्स शुरू हुई है कच्चे किट्स पिछले हम लोग 1 महीने से बांट रहे हैं। हम लोग 21,000 किट्स बांट चुके हैं। हम लोग 40,000 किट्स पूरे शहर में बांटेंगे। दक्षिण में केवल किदवई नगर विधानसभा में हम लोग अभी 18-19,000 बांट चुके हैं। पूरे शहर में जो जो जरूरतमंद है उसको देने का हमारा संकल्प है, प्रयास कर रहे हैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लोगों की मदद में पहुँच पाएँ। ये इस समय किसी पर कोई एहसान नहीं है, हमारा सौभाग्य है कि मुझे ये काम करने का मौका मिला। जल्दी से कोरोना का ये शहर और कानपुर दक्षिण मुक्त हो, यहाँ के लोग हमेशा स्वस्थ रहें, प्रभु उनको हमेशा अच्छे जीवन दे, उनकी सेवा में हम लोग हमेशा समर्पित रहें। ये कोई राजनीति का समय नहीं है, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करनी चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास। अब बात करता हूँ, एक बात पूछना चाहूँगा, 2 हादसे हुए हैं, एक ट्रेन की पटरी में लगभग 16 लोगों की मौत हुई है और 24 लोग ट्रक हादसे में घायल। देखिए इस समय ये पूरे देश की त्रासदी है, हादसे एक नहीं हुए हैं, हजारों की तादाद में हमारे भाई मजदूर, जो ये मजदूरों का शहर है, मजदूर हमारी पूंजी है, मजदूर हमारी धरोहर है, मजदूर हमारे परिवार का सदस्य है, मजदूर हमारा भाई है, इस देश की तरक्की का मार्ग मजदूर है। जिस देश का मजदूर सुरक्षित नहीं रहेगा वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। आज का समय ऐसा है कि अपने परिवार के लोगों को, अपने मजदूर भाइयों को, अपने श्रमिक भाइयों को, अपने देश के छोटे मोटे जिनके पास नहीं है, जिनके पास है, सब लोगों को मिलकर इस त्रासदी की लड़ाई को लड़ना चाहिए और सबको आगे आकर इस लड़ाई को जीतना चाहिए। कांग्रेस ने तो बसें चलाने का वो करा है, बसें चलाएंगी, बसें पहुंच गई हैं, बसें चल रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी की इस समय बात नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी है जो निर्वाह नहीं की गई है। सबको आगे आना पड़े, ये हर एक को रोटी मिले, हर एक को दिक्कत ना हो, यहाँ के लोग सुखी जीवन व्यतीत करें, लेकिन सब लोग मिलकर, क्योंकि बड़ी त्रासदी है, बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम को सब लोग मिलकर दूर करेंगे, मिल जाएगी। इसमें कांग्रेस के पास बसें हैं, कांग्रेस भी लगा दे, दूसरों के पास हैं दूसरे भी लगा दे, तीसरों के पास हैं तीसरे भी लगा दे, लेकिन मैं इसमें मदद हर तक पहुँचनी चाहिए, हमारे मजदूर सकुशल पहुँचने चाहिए। हम बधाई देते हैं प्रियंका गांधी को, अपनी बहन को, कि उसने इस इनिशिएटिव लिया, उसके लिए उन्हें शुभकामनाएं।